तो लेकर आना पड़ेगा क्योंकि काफी जरूरत है सिलेंडर की। इसके बिना खाना वगैरह कुछ नहीं बन पाएगा क्योंकि सिलेंडर सुबह के टाइम ही खत्म हो गया 5 बजे, तो सुबह चाय बना रही थी तभी खत्म हो चुका था। तो फिलहाल अब जाना होगा एजेंसी पे, और एजेंसी यहाँ से दूर मार्केट की तरफ है मतलब, तो अभी चलते हैं सिलेंडर को मार्केट की तरफ और देखते हैं। अब किसी को साथ ले जाना पड़ेगा क्योंकि अकेले तो आने का नहीं, एक साथ पकड़ने वाला चाहिए, तो देखते हैं किसी को और फिर चलते हैं सीधा सिलेंडर लेने। फाइनली अब लेने आ गए हैं सिलेंडर और अभी हम रास्ते में, तो फिलहाल अभी चला रहा हूँ मैं स्कूटी और देखो सिलेंडर साथ में लेकर बैठा है कोई प्रॉब्लम। तो फिलहाल अब पहुँच चुके हैं हम मतलब इसके सेंटर पर, यानी कि जो इसका गैस दो दाग है वहाँ पर पहुँचने वाले हैं। तो देखते हैं वहाँ पर सिलेंडर मिलेगा या नहीं, क्योंकि आज तक सिलेंडर की थोड़ी मतलब स्थिति नहीं है, स्थिति तो थोड़ी मतलब सिलेंडर की तो मतलब कमी कुछ ज़्यादा ही चल रही है क्योंकि डिमांड आज के टाइम में ज़्यादा है, कुछ काम यात्रा स्टार्ट होती है तो उसकी वजह से। चलो देखते हैं फिर ट्राई करते हैं, मिलता है तो ठीक, नहीं तो वापस फिर घर। अब आ चुके हैं हम सिलेंडर लेने एजेंसी के पास, तो चलते हैं अंदर। तो फाइनली गाइस सिलेंडर ले चुके हैं, तो सिलेंडर हमें मिल गया, काफ़ी मतलब वेट करना पड़ा, तो फिलहाल सिलेंडर मिल चुका है तो अब चलते हैं वापस। और देखिए इधर भी सिलेंडर की डिलीवरी चल रही है, यानी कि आजकल हमने बात की तो बता रहे हैं कि सिलेंडर की कुछ कमी चल रही है, मतलब कमर यात्रा में लगे हुए हैं सभी, तो वही भंडारा वगैरह का काम चल रहा है, तो वहीं पर गए हुए सिलेंडर, तो गाड़ी आ रही है कम, तो फिर भी हमें मिल गया, अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फाइनली गाइस अब आ चुके हैं वापस घर और स्कूटी हमने कर दिया खड़ी, तो फाइनली सिलेंडर भी अपनी जगह आ चुका है मतलब फाइनली। तो अब नहा धो के होते हैं फ्रेश क्योंकि अब टाइम जो हो चुका है काफ़ी ज़्यादा है, 11:30 के आसपास टाइम हो चुका है, तो आज हो चुके हम काफ़ी लेट, तो आज मंदिर वगैरह भी नहीं जा पाएंगे। तो फिलहाल अब नहा धो के होते हैं फ्रेश और मोबाइल की बैटरी वगैरह डिस्चार्ज, तो पहले से लगाते हैं चार्जिंग पे, उसमें मिलते हैं आपको सीधा फ्रेश होने के बाद। सो गाइस नहा धो के हो चुके हैं रेडी, तो फिलहाल आज नाश्ता तो होगा नहीं, तो आज तो डायरेक्ट लंच ही करेंगे। और देखिए फिलहाल नहा धो के हो चुके हैं बिल्कुल फ्रेश, तो आज काफ़ी लेट हो गया मतलब वैस कह नहीं सकते कुछ, और अब भूख लगी है काफ़ी तेज क्योंकि आज तो सुबह से नाश्ता भी नहीं किया। तो फिलहाल अब करते हैं लंच और लंच में देखते हैं क्या बना है। तो फाइनली गाइस खाना हो चुका है रेडी, तो फिलहाल अब करते हैं लंच हम क्योंकि टाइम भी हो चुका है काफ़ी ज़्यादा, और आज सुबह से नाश्ता वगैरह तो कुछ कहीं नहीं, तो काफ़ी भूख गए हैं। तो फिलहाल देख सकते हो लंच में चावल और ये आलू। सो गाइस टाइम हो चुका है शाम के 5:30 और फिलहाल मौसम फिर से हो चुका है चेंज, और देखिए इधर घर में तो फिलहाल कोई नहीं है, मैं और तनिष्का ही हैं, और तनिष्का है भी अंदर। तो फिलहाल गाइस आजकल मैं काफ़ी परेशान क्योंकि गर्मी हो रही है काफ़ी ज़्यादा, और गर्मी की वजह से लाइट वगैरह में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो रात भी लाइट नहीं आ पाई जैसे आपको बताया मतलब पहले ब्लॉग में, तो लाइट की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, और देखिए दिन में आज भी ऐसी रही, अब तो डेली का मतलब एक रूटीन सा हो गया है मतलब लाइट नहीं आने का। और फिलहाल एक दो दिन में निकलने वाले हैं नोएडा फिर से क्योंकि अब ऑफिस मतलब ऑफिस जाना पड़ेगा, अब तक तो चल रहा था वर्क फ्रॉम होम ही, तो घर से ही काम हो रहा था, तो अब तक ही जाना ही पड़ेगा, तो जो आगे के नेक्स्ट व्लॉग लेंगे वो आपको नोएडा से मिलेंगे। और फिलहाल इधर तनिष्का भी आ चुकी है ये रही, और इसकी भी अभी छुट्टी चल रही है, तो फिलहाल अभी जाना है मुझे दुकान पर, तो वहाँ से लेकर आना है मतलब कुछ सर्फ एक्सल का पैकेट मतलब वही कपड़े धोने का, तो जो एक दो जोड़े नए कपड़े हैं वो उसे धोएंगे, तब चलते हैं दुकान पर। सो गाइस तो फिलहाल हम सर्फ एक्सल लेकर आ चुके हैं और साथ में थे हमारे सचिन भाई, तो फिलहाल अब आ गए हम घर के पास ही, तो कपड़े वगैरह धोएंगे मतलब थोड़ी लेट अभी, देखते हैं किस टाइम तक, वैसे लाइट तो आ चुकी है, तो सोच रहा हूँ क्योंकि कपड़े तो आज मुझे ही धोने हैं,
क्योंकि सभी की चल रही है तबीयत खराब, तो फिलहाल कपड़े वगैरह मुझे ही धोने पड़ेंगे। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना अभी से धोया जाए, क्योंकि शाम के टाइम मतलब रात के टाइम थोड़ी गर्मी और हो जाती है और लाइट वगैरह की प्रॉब्लम, और ऊपर से बारिश मतलब कभी भी आ सकती है गाइस बारिश। तो बारिश को हम कह नहीं सकते कि आजकल बारिश ऐसी हो, मतलब मानसून एक तरह से आ चुका है, तो बारिश की कोई वो नहीं है कि कभी भी आ सकती है। वो तो करते हैं, सोच रहा हूँ क्यों ना कपड़े धो जाए, तो करते हैं स्टार्ट। मैं कपड़े डालकर कर दिया तैयार, मतलब कपड़े धोने स्टार्ट हो। आप देख सकते हो मशीन में पानी भी डाल दिया है, सर्फ वगैरह भी, ये जो लाया था मतलब, और उसमें कपड़े भी डाल चुके हैं। तो फिलहाल मशीन चल रही है, तो अभी लगभग एक राउंड पूरा होने में लगभग आधा घंटे के आसपास लग जाएगा, और उसके बाद फिर पानी से वॉश कर देंगे और बस ड्रायर में करके तो कपड़े धोकर रेडी, उसके बाद कुछ नहीं फिर। तो फिलहाल इधर खाने की भी चल रही है तैयारी, तो आज खाना बनाएगी तनिष्का, और इधर चल रही है लेडीज की ये चून वगैरह कर रही है मतलब, और सब्जी वगैरह बना चुके हैं पहले ही। तो फाइनली काफ़ी तेजी से लगेगी तनिष्का भी आज, क्योंकि स्कूल वगैरह तो अभी जा नहीं रही, तो ये मतलब कल तो नहीं जा पाएगी, परसों जाएगी। तो स्कूल भी अब इसके एक दो दिन हो रहे हैं, क्योंकि अभी इसके स्कूल ओपन नहीं हुए हैं, 5 तारीख से ओपन हो गए, लेकिन ये 5 को नहीं जाएगी, ये जाएगी 6 को। तो फिलहाल इधर चल रहे हैं कपड़े, तो ये काफ़ी स्पीड से घूमती हुई मशीन। गाइस टाइम हो चुका है शाम के 7:30, और कपड़े वगैरह धो के हो चुके हैं बिल्कुल फ्री, यानी कि कपड़े धोने में लगभग 1-1.5 घंटा लगा, क्योंकि लाइट वगैरह में फिर से प्रॉब्लम हो रही है, मतलब बीच में कपड़े धो रहा था और लाइट भाग गई। तो फिलहाल अब आ चुकी है लाइट फिर से, और कपड़े वगैरह धो के बिल्कुल हो चुके हैं फ्री। तो अब करते हैं खाने की तैयारी, क्योंकि भूख भी लग रही है काफ़ी ज़्यादा, और आज तो दोपहर मतलब सुबह के टाइम मतलब नाश्ता भी नहीं हो पाया, तो दोपहर डायरेक्ट लंच किया। तो फिलहाल अब फिर खाना खाते हैं, क्योंकि गांव में तो मतलब जल्दी ही बन जाता है, मतलब शहर वगैरह में तो काफ़ी लेट तक बनता है, 9:30 तक, लेकिन गांव में तो काफ़ी जल्दी बन जाता है। तो हमारे यहां पर तो 6:30-7 तक, मतलब 7:30 तक बिल्कुल लास्ट लिमिट है, इसके बाद खाना नहीं बनता, उससे पहले ही बन जाता है, मतलब डेली का यही है हमारा। तो और सर्दी वगैरह में तो और भी जल्दी, यानी कि 5:30-6 बजे। तो फिलहाल अब खाते हैं खाना, टाइम हो चुका है रात के 8:30, फाइनली फिर से लाइट गायब हुई है, मतलब लाइट काफ़ी प्रॉब्लम चल रही है। तो फिलहाल अभी लाइटें ओपन है, क्योंकि रात को पंखा वगैरह चलना है, अगर लाइट नहीं आई तो लाइट का इन्वर्टर वगैरह डाउन हो जाएगा। तो आई होप आपको यह व्लॉग पसंद आया होगा, अगर व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक करना, शेयर करना, और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं फिर एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। I'm not going to do it.